जिया, अब ये बताइए आप हमें कि यदि घर के अंदर में एक डॉग पालने का किसी का मन है तो फैमिली की कंसेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज फैमिली की कंसेंट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर एक भी फैमिली मेम्बर को इशू है तो फिर वो पपी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, या अगर फैमिली वाले कहीं बाहर गए और वो इंसान घर पे है तो वो ध्यान नहीं रख पाएगा उसका, पपी भी डरेगा उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करने में। एंड इफ़ यू आर 18 बिलो तो फैमिली कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ही ध्यान रखेंगे पपी का ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा, सो फैमिली कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लस यदि परिवार में मान लीजिए चार जन हैं और एक को डॉग चाहिए और तीन को डॉग से डर लगता है या उनको नफरत है या वो इनडिफरेंट हैं, तो वो डॉग के लिए तो चारों इंसान बराबर हैं, उसको तो चारों से प्यार चाहिए। हाँ। लेकिन इंसानों में एक को प्यार है और तीन को नहीं है, तो डॉग को ये समझ नहीं आता है कि बाकी तीन मुझे क्यों नहीं प्यार कर रहे हैं। फिर डॉग को भी ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं कि एक इंसान ही क्यों प्यार कर रहा है, फिर वो दूसरों से डरेगा। एंड हमें हमारे डॉग को डॉग फ्रेंडली बनाना है, वी डोंट वांट आवर डॉग टू बी स्केयर्ड ऑफ अदर पीपल। एंड हम चाहते हैं कि वो इंटरेक्ट करें, हमारे घर पे कोई गेस्ट आए तो उन पर ना भौंके या उनके साथ अच्छे से खेले जैसे वो हमारे साथ खेलता है। सो फैमिली इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फैमिली में हर कोई उसको खाना खिलाए, प्यार करे, उसके साथ खेले, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान ही उसका ख्याल रखे या एक ही इंसान उसको खाना दे या पानी दे, बाकी सब भी उसका ध्यान रखे कभी, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान घर पर रहेगा, कभी ना कभी तो वो बाहर जाएगा ही। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे फैमिली वाले कनेक्टेड हो पपी के साथ और उसको एक बच्चे की तरह पाले रादर दैन कि एक पपी की तरह। तो नॉर्मली देखा गया है कि घर के अंदर में जब कोई एक यू नो लेट से कि 20-year-old है, किड तो क्या बोलें, 18-20-year-old एडल्ट है, वो अपनी मदर को बोलता है मुझे एक डॉग चाहिए, डॉग लेकर आ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो एक डॉग लेकर आ रहा हूँ। नॉर्मली मदर का जवाब होता है मेरे को नहीं पता, तुमको जो करना है करना, लेकिन मेरे को उसका कुछ काम मत करने को देना। ऐसी सिचुएशन के अंदर में यदि इंसान डॉग लेकर आ जाता है ना, तो फिर वो जो मदर है यदि वो हेल्प नहीं करेगी तो पपी के लिए बहुत डिफिकल्ट लाइफ हो जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि कभी कभी लोगों को सुस्तू पॉटी क्लीन करना तो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, एंड मतलब यूजुअली लोगों को नहीं पता होता कि खाने में क्या देना है, कितनी बार खाना देना है, क्या है। तो गाइडेंस घर में सबसे लेना बहुत ज़रूरी है, सबका इनपुट बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बच्चे को पाल रहा है, ऐसा नहीं कि आप एक पपी को ले आए और फिर आपने उसको रख दिया, उसका पूरा ध्यान रखना, उसको पानी देना, खाना टाइम पर देना, कभी कोई बिजी हो गया तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हाँ ठीक है हम आगे बढ़ के इसको खाना दे देते हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज सबका साथ में ध्यान रख कर ही फिर रिजल्ट आएंगे, राइट। और यही बात जिया, यदि आप हम इसको ब्रॉडर लेवल पे बात करें तो यदि हमने परिवार के लिए एक डॉग में कंसेंट की बात करी तो सेम अप्लाइज इवन ऑन द कॉलोनी, सेम अप्लाइज इवन ऑन द सिटी एंड सेम अप्लाइज इवन ऑन द कंट्री। जबी तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इस देश के 140 करोड़ नागरिक इस जीव के माँ बाप हैं। क्यों बोला है? क्योंकि उस जीव को थोड़ी ना पता है कि कौन डॉग लवर है, कौन डॉग हेटर है। उस जीव को कुछ भी नहीं पता है, उस जीव को तो बस इंसान दिख रहा है। तो उसके लिए जैसे कंट्री के हर सिटीजन को डॉग लवर बोला बनना पड़ेगा, सिमिलरली परिवार के भी हर सदस्य को डॉग लवर बनना पड़ेगा। और लिली ने अपनी ट्रीट खा ली। लिली सिट डाउन, सिट डाउन लिली, ये वाला खत्म होगा फिर ही बैठे। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नई चीज की बात करेंगे। लिली तुम जाकर अपनी गोदी में बैठ जाओ दीदी की। गो गुड गर्ल, गो 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 गुड गर्ल।